नमस्कार साथियों, मेरा नाम राजेश कुमार मीना, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स, राजेश पायलट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। साथियों, आज हम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर के कोड EL 305 पावर एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट्स का जो एक टॉपिक है डाईइलेक्ट्रिक हीटिंग, उसके बारे में जानेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ डाईइलेक्ट्रिक हीटिंग। चलिए शुरू करें। साथियों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम डाईइलेक्ट्रिक हीटिंग के इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, उसके जो डायग्राम्स, एडवांटेज और एप्लीकेशन के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो डाईइलेक्ट्रिक हीटिंग की इंट्रोडक्शन से पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू देने की कोशिश करूँगा कि हीटिंग प्रोसेस मैकेनिकल इंडस्ट्री के लिए या घरों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हीटिंग प्रोसेस, हम रसोई में खाना बनाते हैं उसके लिए हीटिंग की ज़रूरत है। अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग और फाउंड्री इंडस्ट्री के लिए हीटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आज हम डाईइलेक्ट्रिक हीटिंग के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। डाईइलेक्ट्रिक हीटिंग, ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक हीटिंग, RF हीटिंग एंड डायथर्मिक। डाईइलेक्ट्रिक हीटिंग इज़ ए स्पेशल वे ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इलेक्ट्रिक करंट इनटू हीट। यानी डाईइलेक्ट्रिक हीटिंग एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक हीटिंग होती है। इसके अंदर RF हीटिंग, इसको हम RF हीटिंग या डायथर्मी भी बोलते हैं। RF हीटिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसके अंदर अल्टरनेटिंग करंट को यूज़ करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट वो भी रेडियो फ्रिक्वेंसी रेंज का। और इस डाईइलेक्ट्रिक हीटिंग के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को हम कन्वर्ट करते हैं हीट एनर्जी के अंदर। डाईइलेक्ट्रिक हीट इज़ ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज हाई फ्रिक्वेंसी कैपेसिटेंस हीटिंग। डाईइलेक्ट्रिक हीटिंग को हम हाई फ्रिक्वेंसी कैपेसिटेंस हीटिंग के नाम से भी जानते हैं कई कई बार। डाईइलेक्ट्रिक हीटिंग, इन डाईइलेक्ट्रिक हीटिंग द जनरेशन ऑफ थर्मल एनर्जी मीन्स हीट इन ए नॉन कंडक्टिंग मटीरियल बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और फील्ड। फ्रेंड्स, हीटिंग, अगर मेटल को हमें मेटल को हीट करना है या उसको थर्मल एनर्जी देनी है तो हम उसके लिए और भी प्रोसेसेस यूज़ कर सकते हैं। जैसे इंडक्शन हीटिंग, हमने एक अनदर डे हमने एक लेक्चर के अंदर देखा कि इंडक्शन हीटिंग से हम किसी मेटल को किस तरह से हीट या मोल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, जैसे प्लास्टिक हुआ, जैसे फूड जैसे खाना है, वुड है, लकड़ी, अगर हमें इस तरह के नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स को हमें हीट करना है तो उसके लिए फिर हम डाईइलेक्ट्रिक हीटिंग के लिए जाएंगे। सो डाईइलेक्ट्रिक हीटिंग के अंदर किसी भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या फील्ड की सहायता से हीट करते हैं। माइक्रोवेव ओवन बहुत कॉमन एग्जांपल है, लगभग हर घर के अंदर वो मिल जाएगा, हर घर की किचन के अंदर और बेकिंग इंडस्ट्रीज जो है उसके अंदर माइक्रोवेव का ओवन का यूज़ होता है। तो माइक्रोवेव जो ओवन है वो डाईइलेक्ट्रिक हीटिंग पर काम करता है। इसके अंदर जो वेस्ट ऑफ एनर्जी होती है वो हीट की तरह यूज़ होती है और उसे डाईइलेक्ट्रिक लॉसेस कहा जाता है। सिंस द नॉन मेटेलिक मटीरियल विथ पुअर थर्मल कंडक्टिविटी कैन बी वेरी इफेक्टिवली हीटेड बाई डाईइलेक्ट्रिक हीटिंग। डाईइलेक्ट्रिक हीटिंग के अंदर जो नॉन मेटेलिक मटीरियल जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी पुअर होती है उनके ऊपर इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मसलन जैसे हीट लकड़ी है, हमें लकड़ी है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक की मेल्टिंग अगर हमें करनी है तो हम उसके लिए डाईइलेक्ट्रिक हीटिंग यूज़ करेंगे। क्योंकि वैसे तो अगर देखा जाए तो प्लास्टिक इज़ अ पुअर थर्मल कंडक्टिव मटीरियल, लेकिन अब उसको अगर हमें हीट करना है तो हम नॉन मेटेलिक ये मटीरियल है इसके लिए हम डाईइलेक्ट्रिक हीटिंग यूज़ करेंगे। डाईइलेक्ट्रिक लॉसेस इज प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी एंड स्क्वायर ऑफ द सप्लाई वोल्टेज। यानी हमने देखो साथियों, पहले ही बात की है कि जो डाईइलेक्ट्रिक हीटिंग है उसके अंदर जो थर्मल एनर्जी या हीट है
वो जनरेट होती है बाय मोड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या फील्ड है तो इट मींस इसके अंदर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगी और ये आरएफ फ्रिक्वेंसी पर काम करेगा। तो यानी जो डाइलेक्ट्रिक लॉसेस है वो लॉस ही हमारा हीट के अंदर कन्वर्ट होता है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्वेंसी जो उस करंट की है, इलेक्ट्रिक करंट जो उसको अप्लाई किया गया है, एंड स्क्वायर ऑफ द सप्लाई वोल्टेज। आगे हम इसकी एक्सप्रेशन देखेंगे, पूरा प्रिंसिपल देखेंगे। फ्रीक्वेंसी कैन बी सेलेक्टेड बिटवीन 10 to 30 किलो हर्ट्ज एंड वोल्टेज अबाउट 20 किलो वोल्ट। हम इसके अंदर जो डायलेक्ट्रिक हीटिंग प्रोसेस होता है उसके अंदर हम 10 से 30 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और 20 किलो वोल्ट तक का वोल्टेज हम इसमें यूज़ करते हैं डायलेक्ट्रिक हीटिंग में। प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ डायलेक्ट्रिक हीटिंग, तो डायलेक्ट्रिक हीटिंग किसी भी वॉल्यूम पर जो पावर डेंसिटी जनरेट होगी उसकी वैल्यू होती है ओमेगा इंटू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। यानी क्यू इक्वल्स टू, क्यू इज द पावर डेंसिटी पर वॉल्यूम, इक्वल्स टू ओमेगा इंटू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। ओमेगा, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ द एक्साइटिंग रेडिएशन। यानी जो करंट हमने फ्लो करवाया, अल्टरनेटिंग करंट या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या फील्ड हमने जो लगाई है, उस फील्ड में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी एप्सिलॉन आर हमारे जो मटेरियल है जिसको हम हीट करना चाहते हैं उस मटेरियल की परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट हम जानते हैं फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी होती है उसे हम एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। और ई होता है, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इस प्रिंसिपल से, इस फॉर्मूले से आप देख सकते हो कि जो पावर डेंसिटी जो जनरेट होगी पर वॉल्यूम वो ओमेगा यानी एंगुलर फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली और ई स्क्वायर यानी वोल्टेज के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करती है, यानी प्रोपोर्शनली स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी पर ये डिपेंड करती है। हम एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट ये दोनों ही कांस्टेंट होते हैं। एप्सिलॉन नॉट हमारे फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है और एप्सिलॉन आर जो भी मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं जिसको हीटिंग करना चाहते हैं उसकी परमिटिविटी होती है। तो इस एक्सप्रेशन से सीधा सीधा पता लग रहा है कि जो पावर डेंसिटी जो जनरेट होगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या फील्ड लगाने की वजह से वो डायरेक्टली फ्रिक्वेंसी और स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगी। द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द रिलेटिव परमिटिविटी इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ डायलेक्ट्रिक मटीरियल टू कन्वर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इनटू हीट। साथियों हमने इसमें यहाँ इमेज रिलेटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ली है, जो मटीरियल हमने लिया है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी ली है, उसका भी हमने इमेजिनरी पार्ट लिया है जो कि फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट होता है। यानी जो भी हमारे पास मटेरियल है उस पर जो भी करंट होता है उस करंट की वजह से उसकी जो उस करंट की जो फ्रिक्वेंसी होती है उस फ्रिक्वेंसी की के ऊपर जो परमिटिविटी है उसका इमेजिनरी पार्ट डिपेंड करता है। और वही परमिटिविटी हमारे डायलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में ही एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करने में सहायक होती है। इफ द कंडक्टिविटी इज सिग्मा ऑफ द मटेरियल इज स्मॉल और द फ्रीक्वेंसी इज हाई, सच दैट सिग्मा इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा ई, देन द डायलेक्ट्रिक हीटिंग इज द डोमिनेंट मैकेनिज्म ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इनटू द मीडियम। कहने का मतलब यह है अगर हम जिस मटेरियल की हीटिंग करना चाह रहे हैं उसकी कंडक्टिविटी स्मॉल हो, बहुत ज़्यादा स्मॉल हो कंपेटिवली फ्रिक्वेंसी जो उस पर, फ्रिक्वेंसी ऑफ करंट जो उस पर लगाया गया है, तो उस पर जो डायलेक्ट्रिक हीटिंग का प्रोसेस है उसमें जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस मीडियम की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का डोमिनेंस उसमें शो करेगा। डायग्राम के रूप से हम दिखाना चाह रहा हूँ किस तरह से हम इसमें हीटिंग करते हैं। दो मेटल प्लेट्स होती हैं, सेम एज जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसी की तरह
और उस पर दो टर्मिनल्स लगे होते हैं जिस पर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, और उन दो मेटल प्लेट्स के बीच के अंदर हम मटेरियल जो भी जिसको भी हम हीट करना चाहते हैं उस मटेरियल को रखते हैं, और इसके ऊपर अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम जब अप्लाई करेंगे तो इसके थ्रू जो करंट फ्लो करेगा उसकी वजह से करंट फ्लो एज सच करेगा नहीं, लेकिन यहाँ जो लॉस होगा वो इन द फॉर्म ऑफ हीट होगा। एडवांटेजेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, हीटिंग इज़ वेरी क्विक, यहाँ हीटिंग बहुत फास्ट होती है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, क्योंकि ये जो हीटिंग है वो डिपेंड करती है सारी की सारी इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, और इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही जो मटेरियल होता है उस मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के साथ जैसे ही टच में आता है तो उन मॉलिक्यूल्स को भी वो अपने डायरेक्शन ऑफ करंट के अंदर फ्लो करवाने की कोशिश करता है, इसकी वजह से वो आपस में वहाँ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है और हीट जनरेट होती है। ये जो प्रोसेस है डायलेक्ट्रिक हीटिंग के अंदर, तो ये जो प्रोसेस है वो करंट की, क्योंकि जो करंट की स्पीड है वो बहुत फास्ट होती है तो इसलिए जो हीटिंग प्रोसेस है वो भी फास्ट होता है, एफिशिएंसी हायर होती है ऑफ कोर्स है, क्योंकि जो भी मटेरियल यहाँ यूज़ लेते हैं वो हम नॉन मेटेलिक होते हैं, नॉन कंडक्टिंग होते हैं, तो इसके अंदर जो करंट है ये करंट अगर जब हम फ्लो करवाते हैं तो वो कंडक्ट नहीं होकर वो सारी की सारी एनर्जी मैक्सिमम जो पार्ट होता है एनर्जी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का वो वेस्ट होता है, और वो वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाइलेक्ट्रिक हीटिंग होता है। हीटिंग इज़ यूनिफॉर्म ऑफ कोर्स, जो हीटिंग होती है वो पूरी बॉडी पर यूनिफॉर्म होती है क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस हमारा फुली वोल्टेज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसके अंदर कोई स्मोक डस्ट ऐसा प्रोसेस नहीं है, इसमें स्मोक और डस्ट का कोई काम नहीं है, तो ये मुझसे फ्री है, स्मोकलेस और डस्टलेस प्रोसेस है, क्लीन प्रोसेस है, इसमें कोई फ्लू गैसेस भी नहीं है तो एयर पोल्यूशन का भी कोई रिस्क नहीं होता। हीट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक लॉसेस अकर्स इन द मटीरियल इटसेल्फ, और जो हीट होता है वो जो क्योंकि जो हीट जनरेट होती है वो मटीरियल के अंदर इटसेल्फ जो डाइलेक्ट्रिक मटीरियल होता है जिसको भी हम हीट करना चाहते हैं उसकी खुद की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है जो हीट इसमें प्रोड्यूस होती है। एप्लीकेशंस, बेसिकली ये वेल्डिंग ऑफ फॉइल्स प्लेट्स एंड प्रोफाइल विद द थिकनेस ऑफ 0.1 to 2 mm तक, यानी 0.1 से 2 mm तक की थिकनेस के प्रोफाइल्स को ये वेल्डिंग के लिए, फॉइल्स को और प्लेट्स को वेल्डिंग के लिए भी यूज़ होता है। मेजरली ये प्लाईवुड इंडस्ट्री में यूज़ होता है क्योंकि प्लाईवुड आप देख जानते हैं कि ये जो प्लाईवुड है वो डाइलेक्ट्रिक है, लकड़ी का है, वुडन है, तो वहाँ प्लाईवुड इंडस्ट्री के अंदर ये वर्क करता है। सैंड कोर बेकिंग, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में, टोबैको इंडस्ट्रीज में, बेकरीज घरों के अंदर हम लोग देखते हैं माइक्रोवेव ओवन, तो माइक्रोवेव ओवन के अंदर बेसिकली डाइलेक्ट्रिक हीटिंग होती है, इलेक्ट्रिक स्वाइंग, डिहाइड्रेशन ऑफ फूड्स, पैकेजिंग इंडस्ट्रीज ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, उसमें पैकेजिंग इंडस्ट्रीज जो है वहाँ जो डिहाइड्रेशन ऑफ फूड होता है वो हम डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के थ्रू करते हैं। इलेक्ट्रोमेडिक मेडिकल एप्लीकेशंस एंड बुक बाइंडिंग। धन्यवाद दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, धन्यवाद।